श्रीमंत ने आर्म रेसलिंग में देश को कई मेडल दिलाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हें कई बार नौकरी का आश्वासन तो दिया, लेकिन जब जब रोजगार देने की बात हुई सरकार पीछे हट गई। श्रीमंत झा जन्म से ही दिव्यांग हैं। उनके दोनों हथेलियों की उंगलियां पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई, लेकिन खेल के प्रति उनका जुनून ही है कि उन्होंने हार नहीं मानी। श्रीमंत इंडिया में लगातार 5 सालों से 75 kg वेट में नंबर 1 आर्म रेसलर हैं। बुल्गारिया में हुई चैंपियनशिप में पूरे विश्व में श्रीमंत को 6वां स्थान मिला। कई देशों में श्रीमंत ने भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीता। श्रीमंत का कहना है कि वे अपने राज्य के लिए खेलते हैं, मेडल जीत कर लाते हैं, लेकिन राज्य शासन की ओर से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। सरकार से सहयोग तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे स्टेट के लिए मैं खेल रहा हूँ और इतना मेडल जीत के अपने स्टेट के लिए और गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है। तो मैं तो चाहता था कि गवर्नमेंट से हेल्प मिले और मोटिवेट करे मेरे को कि मैं और मेडल जीत के आऊँ, लेकिन जब मैं एकदम हार गया कि मेरे को कुछ नहीं अब हेल्प मिलेगा। श्रीमंत का कहना है कि दूसरे राज्यों में खिलाड़ी जब बेहतर परफॉर्म करते हैं तो स्पोर्ट्स कोटे से उनको नौकरी मिल जाती है, लेकिन सीएम और राज्यपाल से लगातार मुलाकात के बाद भी उनको अब तक नौकरी नहीं मिल सकी, जो निराशाजनक है। सर, मैं 2013 से जब से मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अच्छा मेडल लेके आया, तब से मैं लेटर फॉरवर्ड कर रहा हूँ सीएम सर को, गवर्नर सर को, ऑलमोस्ट मैं डीजी साहब से बोल चुका हूँ, ये सब चीज़ डिस्कशन कर चुका हूँ। सब मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला। वही इस मामले में जब ईटीवी ने खेल मंत्री भैयालाल राजवाड़े से बात की तो उनका कहना था कि मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। यदि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है तो उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। आवेदन वगैरह आएगा, अभी तक तो हमारे पास आया नहीं। आएगा, उसका परीक्षण करवाएंगे और उसके बाद उसकी व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी आश्वासन दिए हैं तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसका परीक्षण करेंगे, हम देखेंगे क्या है, उसके लिए प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं उसका लग जाए। वर्तमान में श्रीमंत निजी कंपनी में डिप्लोमा इंजीनियर हैं। अगर सरकार ऐसे खिलाड़ियों को वक्त पर प्रोत्साहन दे तो छत्तीसगढ़ को खेल में मिलने वाले मेडल्स की संख्या में और इजाफा हो सकता है। श्रीमंत न सिर्फ छत्तीसगढ़ का नाम विदेशों में रोशन कर रहे हैं, साथ ही मेडल भी लेकर छत्तीसगढ़ के लिए आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार कब तक मदद के आश्वासन की घुट्टी पिलाती रहेगी, कब तक श्रीमंत जैसे खिलाड़ियों को मदद मिल पाएगी। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ देवेश तिवारी, ईटीवी न्यूज, रायपुर। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान